सभी लोग जल्दी से कमेंट करके एक बार बता दीजिए सभी लोग रेडी हैं, क्योंकि आप लोगों को यह बात पता होनी चाहिए कि आज का जो सेशन होगा वो बहुत ही शानदार और जानदार होगा, जिसमें आप लोग नए नए क्वेश्चन देखेंगे अपने फिटर से रिलेटेड। और कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम जितने भी क्वेश्चन देखेंगे वो देखेंगे आप लोगों के प्रीवियस ईयर से रिलेटेड भी होंगे और कुछ एक्सपेक्टेड भी होंगे। और आप जानते हैं कि अगर आपको बार्क का, वैसे तो आप बार्क का एग्जाम भी 13-14 नवंबर को है, तो अब आपको कोर्स तो मुझे लगता है कि अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं 5-6 दिन में रिविजन कर सकता हूं, तो ये रिकॉर्डेड बैच है और ये आपके आगे भी काम आएगा। दूसरी बात, फिटर का टॉप 50 क्वेश्चन आज देखेंगे, कल मैंने ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया था, तो कोशिश करेंगे आज एक्सप्लेनेशन कम हो और क्वेश्चन के आंसर पूरे 50 के 50 हम लोग कर लें, क्योंकि कल हमने 40 क्वेश्चन लगभग देखे थे, है ना। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। एक बार सभी लोग पहले कमेंट करके बताइए रेडी हैं सभी लोग, क्यों मेरे भाइयों जल्दी से बताइए रेडी हैं मेरे सभी भाई। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। वर्कशॉप में आग लगने पर आप क्या करेंगे? चुपचाप देखेंगे, तुरंत बाहर निकलने का प्रयत्न करेंगे, बिजली को मेन स्विच बंद कर देंगे या फायर ब्रिगेड को तुरंत सूचित करेंगे? वो देख लेंगे एक बार, कितने थोड़ा ऊपर कर दीजिए, हल्का सा ऊपर, हाँ बस ठीक है। आप बताइए जी, सभी लोग बताइएगा क्या इसका आंसर सभी लोग देंगे, कमेंट करके बताइएगा। चलिए तो ये एक टेस्ट भी है। तो देखिए आप हमेशा चुपचाप तो नहीं देखेंगे, देखिए जब भी अगर मान लीजिए आपके कंपनी में अगर आग लग गई है तो आप उसको साइलेंटली तरीके से तो नहीं देखेंगे, चुपचाप देखना एक बेवकूफी होता है। तुरंत बाहर निकलने का प्रयत्न करेंगे, बच्चे यहां पर आपका स्वयं का सेल्फिश दिखाई दे रहा है, ना कि आपका डेडिकेशन दिखाई दे रहा है उस जो जहां पर आप काम करते हैं इंस्टीट्यूट के लिए या वहां पर वर्क प्लेस के लिए। ये एक बेस्ट ऑप्शन है कि बिजली का जो मेन स्विच है वो तुरंत बंद कर देंगे, यानी कि ये वाला ऑप्शन एकदम बेस्ट दिख रहा है। फायर ब्रिगेड को जब तक सूचित करेंगे तब तक तो आग ही लग जाएगी, पहले आप मेन स्विच को बंद करेंगे। भाई इस सीक्वेंस क्या होगा समझिएगा, सीक्वेंस ये होगा कि पहले आप मेन स्विच को ऑफ करेंगे, पहले आप मेन स्विच को क्या करेंगे ऑफ करेंगे, देन फिर आप क्या करेंगे फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे, ये दूसरा स्टेप होगा। ये आपका कौन सा स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है, और ये आपका कौन सा स्टेप है, सेकंड स्टेप है। तो ये बात जान लीजिए, आप फायर ब्रिगेड को कब बुलाएंगे, जब आप मेन स्विच बंद कर देंगे, देन फिर आप फायर ब्रिगेड को ऑफर या ऑल ऑर्डर करेंगे। तो आपका पहले क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, सी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि यदि कार्यस्थल पर बिजली जाने से अंधेरा हो जाए तो क्या करेंगे। चलिए दूसरा सवाल, भगदड़ ना मचाएं, वैकल्पिक रोशनी का प्रबंध करें, बाहर निकलने हो तो सीढ़ी का प्रयोग करें और उपरोक्त सभी। चलिए बताइएगा आप में से आंसर सभी लोगों का क्या आएगा, बोलिए। वो कर लेते हैं कि मैं स्क्रीन के सामने चला जाऊं, अभी बोलता रहूं 2 मिनट के लिए, हो जाएगा आने तक। क्या देखिए तो भगदड़ नहीं बचानी चाहिए, बात सही है एकदम। वैकल्पिक रोशनी का प्रबंध करें, ये भी बात सही है। बाहर निकलना हो तो सीढ़ियों का प्रयोग करें, ये भी बात सही है। तो यहां पर जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहां पर जो बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा जब भी आपके यहां फायर होगा, तो यार ये वाला आपको ऑप्शन देखना होगा। चलिए तीसरा, हैमर प्रयोग करते समय नजर डैश पर रखनी चाहिए, किस पर, टीजर हेड पर, जॉग पर, हैमर पर, उपयोग में से कोई नहीं। ठीक है, देखिए जब भी आप हैमर का प्रयोग करते हैं तो बच्चे आप इसको इसका प्रयोग कहां करते हैं, आप वर्कशॉप में, आपको पता है कि इसका प्रयोग आप लोग बच्चे कहां करते हैं, वर्कशॉप में करते हैं।
दूसरी बात, अगर आप जब इसको वर्कशॉप में करते हैं, तो जब आप कार्यशाला यानी कि कार्यशाला में जब जाते हैं या कार्यखंड पर, तो कार्यखंड पर काम करते हैं यानी कि आप इस पे किस पे काम करते हैं बच्चे, जॉब पर काम करते हैं, है ना। तभी तो आप बच्चे जॉब को बच्चे उसमें शेपिंग ड्रिलिंग उसका शेपिंग देते हैं। तो आप जब हैमर का प्रयोग करेंगे वर्कशॉप में, किसका प्रयोग करेंगे, हैमर का, तो आपकी नजर सबसे पहले किस पे होगी, जॉब पे तो होगी कि आपको उसकी जो शेपिंग देनी है या उसका जो साइज देना है वो किस तरीके से देंगे। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि बच्चे आप लोग बच्चे किस पे नजर रखेंगे, ऑन द जॉब यानी कि बी ऑप्शन। एक बार कमेंट करके बताइए यस या नो। बोलिए, बी सभी लोगों का आ गया, यहां पर बी सभी लोग दे रहे हैं, कमेंट तो करते रहो भाई कम से कम, ठीक है। चलिए फोर्थ, स्वास्थ्य से संबंधित सुरक्षा के लिए डैश का प्रयोग करना चाहिए। मतलब जैसे कि आप जानते हैं कि जब आप कहां पर, जब आप वर्कशॉप में होते हैं, जब आप वर्कशॉप में होते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको सांस की ब्रीथिंग की प्रॉब्लम होती है, तो बच्चे वो एग्जॉस्ट फैन का यूज करते हैं। एग्जॉस्ट फैन का बच्चे हम लोग तो किचन में यूज करते हैं ज्यादातर, कहां यूज करते हैं, किचन की बाहर की हवा गर्म, अंदर की हवा बाहर गर्म। सेलिंग फैन तो बच्चे आप रूम में यूज करते हैं, सीधी बात है, रूम हो गया या हर जगह। फिल्टर रेस्पिरेटर्स ये वाला बिल्कुल, क्योंकि बच्चे आपको छन कर यहां से हवा एकदम आती है, यानी कि आपका फोर्थ का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। बोलिए कमेंट करके बताइए कि फोर्थ का ऑप्शन सी आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलिए ये भी बहुत अच्छा सवाल है। अब देखिए यहां से आपके दो तरीके की क्वांटिटी निकलती है, ये भी याद रखिएगा कौन कौन सी। जैसे कह रहा है निम्नलिखित भौतिक राशियों पर विचार कीजिए, ऊर्जा, शक्ति, दाब, आवेग, तापमान, गुरुत्व, विभव, उपमा से कोई राशि, सदिश राशियां हैं। सदिश का मतलब क्या होता है बच्चे, सदिश का मतलब क्या होता है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, इसमें डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन के साथ क्या होता है बाबू, उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है। डायरेक्शन के साथ क्या होता है इसमें बच्चे, मैग्नीट्यूड होता है। तो आपको बताना है कि किसमें सदिश। अब देखो ऊर्जा बच्चे अदिश राशि है, शक्ति भी उदिश है, दाब भी अदिश है, लेकिन जो आवेग होता है ये आपकी कैसी राशि होती है बच्चे, सदिश राशि होती है, यानी कि बच्चे इसमें आपका डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। कैसे, आवेग का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। आवेग का एक एग्जाम्पल दे देता हूं आप लोगों को, है ना, आवेग का एक एग्जाम्पल देख लीजिए यहां से, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल तो बनता है ना। अब आवेग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई बैट्समैन क्रिकेट खेल रहा है और उसके बैट से अचानक बॉल लग के तुरंत जाती है, जैसे बॉल बैट पे लगी और अचानक तुरंत भाग गई, तो वो जो क्षणिक भर का बल होता है ना वही हमारा आवेग होता है। तो उसमें डायरेक्शन भी होती है और बच्चे क्या होता है आपका, दिशा भी होती है। चलिए छठे सवाल का आंसर। अब देखिए बच्चे यहां पर आपकी कुछ जॉब होती है इस तरीके की, ठीक है, तो इस तरीके का आपसे बच्चे क्या पूछ रहा है कि कोण मापने के लिए साइन बार की लंबाई कैसे ली जाती है, दोनों रोलरों के सेंटरों से, बिल्कुल बात है बच्चे, दोनों रोलरों के बच्चे कहां से, सेंटर से ही ली जाती है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना, सेंटर से ही ली जाती है, रोलर के बाहरी किनारों से नहीं, साइन बार की पूरी लंबाई से नहीं, उपयोग में से कोई नहीं। तो यहां पर बच्चे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए, ठीक है, यानी कि फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोलर इंस्टेंट एट द बोथ एंड। बोलिए समझ में आया, जल्दी से बोलिए समझ में आया, एक बार कमेंट करके बताओ, है भाई। न्यूमेरिकल भी बच्चे कल कराए तो थे, आज भी करा देंगे, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल जब आगे आएंगे तो न्यूमेरिकल करा देंगे, अभी तो थ्योरी वाले सामान लेना भैया। और ये भी आप सवाल लिख सकते हैं कि साइन बार का प्रयोग किस लिए होता है, कभी कभी एग्जाम में ये सवाल आता है कि साइन बार का प्रयोग किस लिए होता है, तो याद रखिएगा कोण मापने के लिए, क्या मापने के लिए, कोण, क्योंकि यहां दिया है ना कोण मापने के लिए। साइन बार का
प्रयोग होता है बच्चे कोण मापने के लिए, याद रखिएगा। तो ये आपका हो गया आपका पहला सवाल। अगला चलिए बिल्कुल आशुतोष पांडे जी एकदम, अच्छा आशुतोष यादव जी बिल्कुल करेक्ट भैया एकदम। चलिए कमेंट करके बताइएगा, बोलिए। हाँ बिल्कुल रबर से क्लैंप करते हैं बिल्कुल। गर्म धातु को मापने के लिए कौन सा रूल होता है? अब आपको मैंने ये बताया था कि जब भी आप गर्म धातु को मापने की बात करेगा, हमेशा याद रखिएगा जब भी आपको गर्म धातु को मापने की बात करनी होगी तो बच्चे वहां पर आप किसका यूज करेंगे? श्रिंक रूल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बच्चे? श्रिंक रूल का। किसका यूज करेंगे? श्रिंक रूल का। जब भी आपको बच्चे गर्म हॉट मेटल पर जब भी आपको मेजरमेंट करना होगा, जब भी आपको हॉट मेटल पर मेजरमेंट करना होगा तब आप किसका यूज करेंगे वहां पे? श्रिंक रूल का यूज करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेंगे। ठीक है चलिए हरा बोलिए सभी लोग। यहां पर कह रहा है नवा सवाल क्या कह रहा है कि मार्किंग करते समय रिफरेंस सतह डैश के द्वारा मिलती है, सरफेस गेज के द्वारा, वर्क पीस के द्वारा, काम करने के लिए ड्राइंग या फिर मार्किंग मेज की सतह पर। देखिए मार्किंग करते समय रिफरेंस सतह डैश के द्वारा मिलती है तो किसके द्वारा मिलती है आपको यह बताना है। सरफेस गेज की तरह बिल्कुल नहीं, वर्क पीस नहीं बच्चे, हाँ काम करने के लिए ड्राइंग, ये वाली बात सही है कि काम करने के लिए ड्राइंग, यानी कि मार्किंग करते समय रेफरेंस सतह काम करने के लिए ड्राइंग के लिए द्वारा मिलती है, यानी कि ये वाली बात आपकी सही है, यानी कि ड्राइंग टू द वर्क। ठीक है ये वाला। अब जब आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में काम किए होंगे तो मार्किंग टेबल है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? मार्किंग टेबल। चलिए सवाल यहां भी आपका बहुत अच्छा है, कह रहा है टेम्पलेट जॉब पर मार्किंग के लिए प्रयोग की जाती है, टेम्पलेट जॉब पर मार्किंग के लिए, याद रखिएगा टेम्पलेट, टेम्पलेट का प्रयोग क्या होता है? क्वेश्चन सही देखिए, विश्वनाथ जगीर गलत जवाब, अरे बाबू सही तो है एकदम, मार्किंग करते समय रेफरेंस सतह के काम करने के लिए ड्राइंग पर द्वारा मिलती है, एकदम 100% सवाल है। तुम इस सवाल को चाहे निम्मी पैटर्न की आधारित किताब होती है वहां भी चेक कर सकते हो, ठीक है निम्मी पैटर्न पर आधारित। ठीक है भैया 3/4, 7/7। चलिए टेम्पलेट जॉब पर मार्किंग के लिए प्रयोग की जाती है, निम्न में से कौन सा क्वालिटी नहीं है? तो टेम्पलेट जॉब पर मार्किंग के लिए प्रयोग की जाती है, ये तो आपको पता चल गया कि जो टेम्पलेट होती है वो जॉब पर, आप देखिए गलत है, अरे भैया कौन सा? मार्किंग करते समय रिफरेंस सतह के द्वारा मिली जाती है, तो बच्चे बिल्कुल सही है ना, काम करने के लिए ड्राइंग, काम करने के लिए ड्राइंग, बात तो सही है एकदम, मार्किंग मेज की सतह नहीं, मार्किंग करते समय रिफरेंस सतह, सतह तो बच्चे आप ऑलरेडी उसमें हैं, यानी काम करने के लिए ड्राइंग, आप तो ऑलरेडी सतह पर है ही काम करने के लिए। ठीक है भाई चलिए टेम्पलेट जॉब पर मार्किंग के लिए प्रयोग की जाती है, इनमें से कौन सा क्वालिटी नहीं है, मतलब आपको बताना है कि विच इज द क्वालिटी इज नॉट। चलिए यह अधिक शुद्ध नहीं होती है, यह वर्क पीस के आकार की होती है, यह हार्ड और टेम्पर नहीं होती, यह शीट गत्ते या लकड़ी की जॉब पर बनाई जाती है। अब आपको बताना है 10वें नंबर का सवाल, तो बच्चे ये अधिक शुद्ध नहीं होती है, बिल्कुल नहीं, ये तो सबसे ज्यादा शुद्ध होती है, मतलब ये आपकी सबसे ज्यादा क्या होती है बच्चे? प्योर होती है, ये तो आपकी सबसे ज्यादा क्या होती है? प्योर होती है। यह वर्क पीस के आकार की होती है, बिल्कुल बच्चे इसका साइज जो होता है वो वर्क पीस के आकार का होता है। यह हार्ड और टेम्पर नहीं होती, नहीं यह हार्ड और टेम्पर होती है, यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सी, यह हार्ड और टेम्पर होती है, यानी कि ये वाली जो क्वालिटी है टेम्पलेट की वो यहां पर है सी वाले ऑप्शन में, याद रखिएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई सभी लोगों को?
है जी, बोलिए समझ में आया इस सी वाला क्या है। तो यहां पर आपको क्वालिटी नहीं है, होती है, आपको ये देखना था। तो एग्जाम में जो सवाल आपके टफ आएंगे वो यही आएंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा सवालों को क्या करा जाएगा, घुमाया जाएगा, ठीक है ना, यानी कि सी। चलिए स्क्रैपर देखिए क्या कह रहा है। स्क्रैपर का प्रयोग कहां किया जाता है, स्क्रैपर आप समझते हैं ना, खरोचने के लिए, चिपिंग के लिए, फाइलिंग के लिए, खरोचने के लिए, या फिर आपके ड्रिलिंग के लिए, बताइए स्क्रैपर का प्रयोग कहां किया जाता है। तो मैंने आपको बताया ना कि जैसे ही आप कोई फाइल पर स्क्रैपर करते हैं, कहां पर, फाइल पे, तो आप चिपिंग के लिए करते हैं, चिपिंग मतलब पीटना, ड्रिलिंग मतलब बचे उसके अंदर छेद करना, फाइलिंग का मतलब नहीं। तो ये खरोचने के लिए आपकी क्या प्रयोग किया जाता है, स्क्रैपर का। तो स्क्रैपर का प्रयोग खरोचने के लिए किया जाता है, बोलिए। भाई ड्रिलिंग का मतलब क्या होता है, होल करने के लिए, समझ रहे, चिपिंग का मतलब पीटने के लिए, ठीक है। चलिए ड्रिलिंग से पूर्व जॉब पर सेंटर मार्क करने के लिए क्या, कल हमने पढ़ा था सेंटर मार्क करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, और आज पूछ रहा है ड्रिलिंग से पूर्व सेंटर मार्क करने के लिए क्या, मतलब सेंटर मार्क का प्रयोग कल क्यों करते हैं, कल हमने पढ़ा था ड्रिलिंग करने से पहले। तो प्रिंक, हॉल पंच, डॉट पंच, सेंटर पंच, कल ही हमने किया है, कल ही हमने इसका सवाल का आंसर किया है बच्चे। तो हमने आपसे कहा नहीं था कि जब हम सेंटर पंच कर लेते हैं, जब हम सेंटर पंच कर लेते हैं तो बच्चे ये किस लिए काम आता है, ये निशान बनाने के लिए, मतलब टू मार्क करने के लिए ये काम आता है। जब आप इसको मार्क कर लेंगे तो आपको याददाश्त रहेगा कि अब हमें यहीं पर ड्रिलिंग करना है, मतलब सेंटर पंच जब भी आप करेंगे तो आपको याद रहेगा कि अब हमें यहां पर इस प्लेस पर क्या करना है, ड्रिलिंग करना है। बोलिए समझ में आ गया, सेंटर पंच बनाया जाता है। अब बताइए सेंटर पंच किसका बनाया था, माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, या स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु होता है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है, कभी कभी आपसे पूछता है, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु होता है। तो बच्चे निकिल प्लस क्रोमियम प्लस आयरन, ठीक है, तो निकिल प्लस क्रोमियम प्लस आयरन, ठीक है। तो ये स्टेनलेस स्टील बच्चे इसकी क्या होती है बच्चे, ये मिश्र धातु होती है, ये क्या होती है बच्चे, मिश्र धातु, ठीक है। तो सेंटर पंच बच्चे किसका बनाया जाएगा, तो आप जानते हैं सेंटर पंच बच्चे, तो जान ले गया, ये सेंटर पंच जो होता है बच्चे ये आपका हाई स्पीड नहीं बच्चे, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। सेंटर पंच जो होता है बच्चे वो हाई कार्बन स्टील का बना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 13 का जो आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी, बोलिए, है ना। हाँ भाई NiCr आयरन, ठीक है, Fe आयरन का सूचक जो होता है वो Fe होता है, क्रोमियम का Cr होता है, निकल का Ni होता है। बोलिए समझ में आ गया। चलिए प्रिंक पंच का पॉइंट ग्राइंड कितना होता है, बड़ा प्यारा सवाल है, बहुत मतलब ये सवाल आपका आरआरबी में पूछा हुआ सवाल है, ये सवाल आपका आरआरबी में पूछा है कि प्रिंक पंच का पॉइंट ग्राइंड कितना होता है, कितना होता है बच्चे, 90 डिग्री बिल्कुल नहीं, 45 डिग्री नहीं, 60 डिग्री भी नहीं, तो 30 डिग्री जो होता है वो प्रिंक पंच का पॉइंट एंगल होता है, कितना, 30 डिग्री। बोलो बहुत बढ़िया सूरज भारतीया, बहुत बढ़िया, जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताइए बच्चे कि बात समझ में आई कि नहीं आई। 30 डिग्री जो होता है ये प्रिंक पंच का बच्चे कितना पॉइंट ग्राइंड होता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए हॉलो पंच का प्रयोग, हॉलो पंच का प्रयोग करते हैं कब करते हैं भाई, तो हॉलो पंच का जो प्रयोग करते हैं ये कब करते हैं आपको ये बताना है, गर्म लोहे में सुराख करने के लिए, ये फेंक देना, ये नहीं, ये नहीं, ये फेंक देना, थोड़े पे अभी पी लेंगे, थोड़े पे पूरा गिरा दो, पानी देना है मुझे, दे दूंगा पी लूंगा, पानी देना है मुझे, आए तीन लोग ना, बोलिए। तो जो 15वें लेम्बर का सवाल है, गर्म लोहे सुराख के लिए नहीं बचे, हाँ पतली शीटों में वॉशर काटने के लिए आप लोग हॉलो पंच का प्रयोग करते हैं, यानी कि टू कट वॉशर्स फ्रॉम द थिन शीट्स, आप लोग बच्चे हॉलो पंच का प्रयोग कब करते हैं, तो हॉलो पंच का प्रयोग करते हैं जब आपको पतली शीट काटनी हो, है ना,
जब आपको पतली शीट काटनी होती है तो आप लोग किसका यूज करते हैं, हॉलो पंच का, ठीक है। अब ये भी याद रखिएगा, हाँ, सेफ माइक्रोमीटर उसे कहते हैं, देखिए बच्चे क्या कह रहा है आपसे कि सेफ माइक्रोमीटर उसे कहते हैं जो प्रयोग न किया गया हो, जिसमें रेचेट स्टॉप लगी हो व कार्य करती हो, जो प्रयोग करने में आसान होता है, या जिसके एनविल और स्पिंडल फेस सही हो। नहीं बच्चे, ये तो एकदम ही काट दो, ठीक है। हाँ, ये बात सही है कि सेफ माइक्रोमीटर उसे कहते हैं जिसमें रेचेट स्टॉप लगी हो वो कार्य सही करती हो, ये वाली बात एकदम सही है। यानी कि यहां पर अगर आप बी ऑप्शन को देखेंगे तो एकदम करेक्ट है कि बी ऑप्शन का मतलब यहां पे यही है कि सेफ माइक्रोमीटर उसे कहते हैं जिसमें रेचेट स्टॉप लगी हो वो कार्य सही करती हो, यानी कि बी ऑप्शन। बोलिए, गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग, ठीक है, बोलिएगा सभी लोग, आप लोगों को यहां पे बी आंसर सही हो जाएगा। अब माइक्रोमीटर स्पिंडल वो एनविल के फेस बने होते हैं, कार्बाइड, ये स्टेनलेस स्टील समझ गया, निकल क्रोमियम लोहा, इनवाल स्टील या कार्बन स्टील। तो बच्चे 17वें का जो आंसर आप लोगों का हो जाएगा, माइक्रोमीटर के जो स्पिंडल होते हैं ना बच्चे, वो कार्बाइड के बने होते हैं। किसके बने होते हैं बच्चे? कार्बाइड के, ठीक है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि माइक्रोमीटर का बच्चे हम लोग यूज नाप लेने के लिए करते हैं, है ना, कई सारे के, इनसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर, है ना, कई सारे माइक्रोमीटर होते हैं, ठीक है, ऑड, ठीक है। चलिए, माइक्रोमीटर, कल मैंने आपको वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक बताया था और आपको मैंने इसका भी बताया था, याद करो, मैंने कल आपको अब माइक्रोमीटर का अल्पतमांक बताया था, लीस्ट काउंट, स्मॉलेस्ट नंबर नहीं, लीस्ट काउंट बच्चे, क्या होता है लीस्ट काउंट, मतलब ये इसकी न्यूनतम माप कितनी होती है, न्यूनतम माप। कल हमने आपको इसका आंसर बताया था, याद करो सभी लोग, कल हमने आपको इसका आंसर बताया था, बिल्कुल बच्चे, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 18वें नंबर का, वो हो जाएगा कौन सा बच्चे? बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। बोलिए, तो बी आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, बी आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? चलिए बताइएगा सभी लोग। अब इसके बाद अगला, सोल्डर किसका मिश्र धातु होता है? तो बच्चे मिश्र धातु बहुत पूछता है आपसे, ब्रास का बहुत पूछता है बच्चे, आपका ना ब्रास का बहुत पूछता है, यानी कि आपका पीतल का बहुत पूछता है आपसे, किसका बनते है? पीतल का। तो बच्चे पीतल किसका बनता है बच्चे? तांबा प्लस जस्ता का। किसका बनता है? तांबा प्लस जस्ता का, ठीक है, तांबा प्लस जस्ता का। और ये ब्रास जो आपसे मैक्सिमम तीस चीज पूछता है, तो सोल्डर किसका मिश्र धातु होता है? तो बच्चे तांबा और टिन और लेड का बच्चे, टिन और लेड का होता है बच्चे, किसका? सोल्डर। सोल्डर किसका मिश्र धातु होता है? तांबा और आपका किसका? लेड का, ठीक है। बोलिए, ये आपके एक्सपेक्टेड लिख लीजिएगा क्वेश्चन के हिसाब से, बोलिए कमेंट करके बताइए। हाँ, इसका गलनांक, मतलब गलनांक का मतलब क्या होता है? जिस तापक्रम पर धातु गलती हो, तापक्रम का मतलब होता है जिस तापक्रम पर वस्तु गलती हो। जिस ताप क्रम पर धातु बच्चे क्या होती हो बच्चे? गलती हो। बताइएगा सोल्डर का गलनांक किसका होता है? बोलिए, तो 96 से बच्चे
255 डिग्री होता है, यह आपका तापक्रम का गलनांक होता है। ठीक है, बोलिए समझ में आ गया 20वें नंबर का सवाल, कमेंट के साथ बताइए 20वें नंबर का सवाल समझ में आ गया। चलिए 21वें नंबर का सवाल बताइए, ब्रेजिंग, आपने सोल्डर और ब्रेजिंग में पढ़ा होगा ना, सोल्डर और ब्रेजिंग में पढ़ा होगा आपने, फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है बच्चे, किसका ब्रेजिंग में फ्लक्स किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपको यह बताना है। तो बच्चे आप अमोनियम क्लोराइड का नहीं बच्चे, बोरेक्स का होता है बच्चे, बोरेक्स यानी कि सुहागा, यानी कि बच्चे इसमें आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सुहागा। बोलिए समझ में आया, देखिए निम्न मिश्र धातु इस्पात की फोर्जिंग के लिए तापक्रम, फोर्जिंग के लिए तापक्रम आपका बच्चे कितना होना चाहिए, तो 750 डिग्री सेल्सियस या 950 डिग्री सेल्सियस या 1000 डिग्री सेल्सियस या फिर 1100 डिग्री सेल्सियस, क्या आपका आंसर होगा, बोलिए भाई सभी लोग, बोलिए भाई सभी लोग, तो ध्यान रखिएगा जो फोर्जिंग का जो तापमान होता है बच्चे वो लगभग 1100 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड का होता है ना, जो फोर्जिंग का मतलब इसके लिए ज्यादा तापमान की जरूरत होती है, होता क्या है कि इसके लिए हमें जो टेम्परेचर की जरूरत होती है वो बहुत ज्यादा होती है, तो उसका जो लगभग टेम्परेचर आता है वो 1100 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड आता है, मतलब 1120 1115 रहता है, लेकिन बट आपको ऑप्शन में 1100 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा। ठीक है ना, इसी तरीके से पायरोमीटर भी होता है उच्च रक्तचाप के लिए, है ना, आपसे ये भी पूछता है पायरोमीटर का प्रयोग किस लिए करता है, उच्च तापमान के लिए, है ना, पायरोमीटर याद है ना, पायरोमीटर, पायरोमीटर भी पूछता है आपसे कि पायरोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है उच्च स्मित में, देखिए क्या कह रहा है, स्मित में लोहकारी में ट्यूअर का अर्थ क्या है, देखिए बच्चे जब हम लोगों ने पढ़ा था ट्यूअर तो हमने पढ़ा था ना कि ट्यूअर का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, तो बच्चे आप जानते हैं कि जैसे कोई हीट होती है या मतलब हम लोग हवा पास करने के लिए, मतलब तो हम लोग जो एयर का जो एयर होती है उसको बाहर निकले, तो हम लोग ट्यूअर का, आपने देखा होगा कुछ इस तरीके का बच्चे बनता है, शायद मैं बना पाऊं तो बना पाऊं, ठीक है, तो यहां से बच्चे आपकी एयर निकल जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा टू सप्लाई द एयर यानी कि वायु की आपूर्ति के लिए बच्चे हम लोग किसका यूज करते हैं, ट्यूअर का। चलिए, प्लेन कार्बन इस्पात में लोहकारी इस तापमान पर की जाती है, बोलिएगा कि प्लेन कार्बन इस्पात पर लोहकारी किस तापमान पर की जाती है, 750 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पर या फिर आपका 1300। तो मैंने आपसे बोला ना 11, मतलब याद रखिएगा फोर्जिंग के जो तो 1100 प्लस होती है, अब यहां तो 1100 1300 भी है, पर मैंने आपसे क्या कहा कि इसका जो टेम्परेचर होता है वो 1100 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, लेकिन यहां तो 1100 1300 भी है, तो फिर आप 1100 प्लस पे मारेंगे, है ना भाई, याद रखिएगा ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में इसका तरीका बताया था। ठीक है, तो वहां 1100 था, अगेन 1100 नहीं बच्चे, मैंने बोला ना 1100 प्लस होता है बच्चे, तो यहां पर आपको 1300 मिल तो रहे 1100 से ज्यादा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बात तो सही है आपकी कि कैलेंडर तो जारी करना चाहिए, बात बच्चे आपकी सही है, लेकिन होता क्या है ना कि जो लोग अबव लेवल पे बैठ जाते हैं ना भाई, वो लोग फिर उनको स्टार्टिंग में दिखता है बाद में नहीं दिखता है उनको। धातु के उस गुण को क्या कहते हैं जिसमें उच्च दबाव डालने पर वह दब जाती है और बल हटाने पर पुनः वास्तविक अवस्था, तो इलास्टिसिटी, बिल्कुल, लचीलापन जिसे कहते हैं, लचीलापन, है ना, क्या बोलते हैं, लचीलापन मतलब इलास्टिसिटी, जैसे आप किसी को दबाव डालो तो दब जाए और फिर उसके बाद उसी शेप में आ जाए, तो इलास्टिसिटी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपका, धातु का गुणधर्म प्रॉपर्टी क्या है, धातु का गुणधर्म प्रॉपर्टी जो इस शीट में परिवर्तित करने पर योग्य बनाता है, योग्य कहलाता है क्या, बोलिएगा, लोच, अघात वर्धितता, बिल्कुल बच्चे अघात वर्धितता, और सबसे ज्यादा मेलेबिलिटी किसमें होती है बच्चे, सबसे ज्यादा मेलेबिलिटी किसमें होती है बच्चे, सोना में, यानी कि गोल्ड में। अघात वर्धने का मतलब क्या होता है, पीट पीट कर चादर के रूप में
परिवर्तित करना, ठीक है, बात समझ में आ गई। पीडीएफ बच्चे लास्ट में बता देंगे कहां मिलेगी, ठीक है ना, पीडीएफ आपको लास्ट में बता दिया जाएगा। और ये आपको पता है कि मतलब आपको विशेष एक ऑफर दिया जा रहा है जिसमें आप अपने दिवाली के जो भी आप कोर्सेस पे अपना लेना चाहते हैं तो आप उसमें अपने ऐड बैच से ऐड हो सकते हैं। और ये बैच का आपको अनाउंसमेंट कब होगा, 9 नवंबर को 8:45 पर होगा। क्लियर है ना भाई साहब, ठीक है ना भाई, ये सुबह का 8 नहीं है, रात के 8 है, ठीक है, रात के 8:45 पे, ठीक है। चलिए, और पीडीएफ जान लीजिए भैया कहां मिलेगी, तो भैया पीडीएफ के लिए आप इस टेलीग्राम पे ऐड हो जाइएगा, ठीक है भाई, तो पीडीएफ आपको ऐड कर दी जाएगी या पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। चलिए, अगला सवाल आपका है, वह धातु ब्रिटल है जो हथौड़ा पर मार पर लंबी हो जाए, उस पर सख्त चीज गिरने पर टन की आवाज करे, इनमें से कोई नहीं हथौड़ा मारने पर टूट जाए। ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब क्या होता है बच्चे, आप ब्रिटल का मतलब ये होता है कि बहुत ही जब उस पर हथौड़ा मारोगे तो वो क्या होगी पता है आपको, वो टूट जाएगी। मतलब ब्रिटल का मतलब ये होता है कि आप जब उस पर हथौड़ा मारेंगे है ना, तो वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। क्लियर है, बोलिए है ना। चलिए, पिग आयरन किस फर्नेस से बनता है, ब्लास्ट फर्नेस से। पिग आयरन जो होता है बच्चे वो किस फर्नेस से बनता है, ब्लास्ट फर्नेस से। कास्ट आयरन क्यूपोला फर्नेस से, अगर आपके मन में चल रहा हो, बहुत पूछता है। लोहे का शुद्ध रूप, लोहे का शुद्ध रूप तो बच्चे आपको पता है बच्चे कौन सा होता है बच्चे, रॉट आयरन होता है। मतलब लोहे का शुद्ध रूप प्योर आयरन, बिल्कुल बच्चे, ब्लास्ट फर्नेस। तो यहां पर आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन, बोलिए, रॉट आयरन पुडलिंग। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि रॉट आयरन आपका पुडलिंग फर्नेस से बनता है, ये भी हम कह सकते हैं, रॉट आयरन आपका पुडलिंग फर्नेस से बनता है। चलिए, बढ़िया सवाल है बच्चे, क्या सवाल है कि द कलर ऑफ द कास्ट आयरन, मतलब कच्चा लोहे का रंग कैसा होता है। अरे बच्चे काला ही होता है भैया, कच्चा लोहे का रंग कैसा होगा, काला ही तो होगा। कच्चा लोहा जो भी आपका कच्चा लोहा होगा ना, वो एकदम ब्लैक होगा। जो भी आपका कच्चा लोहा होगा वो एकदम कैसा होगा, ब्लैक होगा, ठीक है। ठीक है, चलिए, ढलवा लोहे का गुण पूछ रहा आपसे, तो ढलवा लोहे का गुण क्या होता है, निम्न स्पिंडल सामर्थ्य, अत्यंत भंगुर। बिल्कुल बच्चे, जो कास्ट आयरन होता है ना वो अत्यंत बच्चे क्या होता है, भंगुर होता है। मतलब आप जब तोड़ोगे ना तो टूट जाएगा, मतलब एक्सट्रीमली ब्रिटल होता है ढलवा लोहे के। जो आपको यहां पर क्वालिटी दी हुई है वो क्या होता है, अत्यंत बच्चे वो भंगुर होता है, यानी कि बच्चे वो आप पीट पीट कर उसको तोड़ सकते हैं। मतलब इसको क्या होता है, पीट पीट कर टुकड़े कर सकते हैं, चलिए। 31वें नंबर का सवाल क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कार्बन और लोहे का एक मिश्र धातु है जिनमें कार्बन एक संयुक्त अवस्था में, बिल्कुल कच्चा लोहा में नहीं, ढलवा लोहा में, पिटवा लोहा में नहीं, स्टील जो होती है बच्चे उसमें जो आप लोगों की कार्बन की एक संयुक्त अवस्था होती है स्टील में, बोलिए। बोलिए, बोलिए भैया सभी लोग, ठीक है। चलिए, अब ये वाला बच्चे, जब हम लोग हीट ट्रीटमेंट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बच्चे हम लोग, जब हम लोग हीट ट्रीटमेंट पढ़ते हैं, ठीक है, तब हम लोग यहां पे पढ़ते हैं एनालाइजिंग, नॉर्मलाइजिंग, कार्बोराइजिंग, हार्डनिंग। हार्डनिंग का मतलब क्या होगा, किसी भी जॉब को मतलब हार्ड करना, मतलब समझ रहे हैं। एनिलिंग, देखिए इन सभी का मतलब ये होता है किसी धातु को हार्ड बनाना, ठीक है, लेकिन आपसे कह रहा है निम्न कार्बन इस्पात पर, यहां से आप देखिएगा, निम्न कार्बन इस्पात पर
कठोर सतह पर प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि है, तो कार्बोराइजिंग होती है। कौन सी होती है बच्चे? कार्बोराइजिंग। नॉर्मलाइजिंग का मतलब समझते हैं आप लोग, नॉर्मलाइजिंग का मतलब होता है कि हवा में धातु को गर्म करना, हवा में धातु को गर्म करना। ईसा चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्या देंगे? कार्य की वजह से उत्पन्न आंतरिक दोष या तनाव दूर करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस शब्द द्वारा व्यक्त किया गया है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, थोड़ी देर पहले डबल स्टार मार लीजिएगा इस क्वेश्चन में, है ना? अभी तो बच्चे इसमें नॉर्मलाइजिंग हो जाएगा। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया नॉर्मलाइजिंग की प्रक्रिया क्या होती है। नॉर्मलाइजिंग की प्रक्रिया वही प्रक्रिया होती है जिसमें आप किसी की धातु के जो आंतरिक गुण होते हैं या दोष होते हैं उसको आप दूर कर देते हैं, वो आपकी प्रक्रिया कौन सी कहलाती है? नॉर्मलाइजिंग। ठीक है, धातु को काटते समय अचानक लोड का प्रतिरोध करने की सामग्री के गुण को क्या कहते हैं? मतलब जैसे आप किसी पर लोड ज्यादा कर देते हैं तो उस प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे? तो 33वें नंबर का सवाल आप बच्चे क्या कहेंगे यहां पे? चलिए बताइए। तो बच्चे टफनेस कहते हैं, जब आप किसी धातु को बच्चे मतलब हार्ड ज्यादा करेंगे तो उसे टफनेस बोला जाता है। ठीक है, चलिए 34वें नंबर का सवाल क्या कहेंगे? लेथ मशीन में प्रयुक्त गियर सेट को कहा जाता है, बिल्कुल बड़ा हलवा सवाल है, स्पर गियर नहीं कहा जाता, इंटरमीडिएट गियर नहीं कहा जाता, बेवल गियर नहीं, हां गियर ट्रेन कहा जाता है इसको। इसको क्या बोला जाता है? गियर ट्रेन। ठीक है ना, यानी कि डी ऑप्शन एकदम क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लेथ बेड की सामग्री क्या है? आजारी इस्पात, छिप्र इस्पात, ढलवा लोहा, माइल्ड स्टील। तो बच्चे आपको इस सवाल का है, बिल्कुल बच्चे हम लोग इसका कास्ट आयरन का बनाते हैं। ठीक है, और ये किस फर्नेस से तैयार किया जाता है? ये किस फर्नेस से तैयार किया जाता है? यानी कि क्यूपोला फर्नेस, क्यूपोला फर्नेस, क्यूपोला फर्नेस से कास्ट आयरन बनाया जाता है। ठीक है, लेथ पर कैरिज क्यों दिया जाता है? मतलब लेथ पर कैरिज मतलब वजन क्यों दिया जाता है? कृत्यांश को होल्ड करने के लिए, कृतन औजार को होल्ड और भरण देने के लिए, स्थिर केंद्र को होल्ड करने के लिए। तो बच्चे आप जानते ना, किसी चीज को होल्ड करना और उस पर भार देना, मतलब होल्ड करने के लिए और लोड देने के लिए। तो इसमें आपका जो बेस्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है आपका। कौन सा बच्चे? बी ऑप्शन। यानी कि देखिए, टू होल्ड एंड फीड द कटिंग टूल, है ना, टू होल्ड एंड फीड द कटिंग टूल, इसका आंसर एकदम करेक्ट आपका बी हो जाएगा। ठीक है, बोलिए समझ में आया है जी सभी लोगों को? चलिए, सनिलप एक अस्थाई फास्टनर है। फास्टनर में समझते हैं किसी चीज को स्मूथ बनाना, फास्टनर। इसका दूसरा नाम क्या होता है? रिंग, रिट्रेनिंग रिंग, वॉशर, या फिर आपका उपयोग में से कोई नहीं। तो बच्चे ना तो हम इसको रिंग के नाम से जानते हैं, ना हम इसको वॉशर। तो ये रिटेनिंग रिंग होती है। क्या कहते हैं कि अगर फास्टनर का दूसरा नाम, मतलब फास्टनर का दूसरा नाम रिटेनिंग है बच्चे, रिटेनिंग रिंग है। ठीक है ना, याद रखिएगा, याद रखिएगा। फास्टनर का आपसे पूछेगा कि फास्टनर का दूसरा नाम क्या होता है? रिटेनिंग। ठीक है, अब देखिए, की आपका की धातु के टुकड़े की बनी होती है। इसे शाफ्ट और हब के बीच में डैश फिट किया जाता है। तो क्या फिट किया जाएगा आपका? शाफ्ट की धुरी के साथ लंब के रूप में, नहीं, शाफ्ट की धुरी के साथ समानांतर। ये वाली बात एकदम करेक्ट है। ठीक है, मतलब देखिए, आप किसी भी फिटर की थ्योरी में सवाल जब तक करेक्ट नहीं कर पाएंगे जब तक आपके पास थ्योरी की नॉलेज नहीं होगी। बात समझ रहे? अगर आपके पास थ्योरी की नॉलेज नहीं होगी तो आप किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, ये भी आप जान लीजिए। ठीक है, हाँ, ये भी आप जान लीजिए, किसी भी सवाल का जवाब शंख की को फिट करने के लिए शाफ्ट और हब दोनों की बैच कटे होते हैं।
या केवल शॉर्ट पर वेज कटा होता है या केवल हब की कटा होता है या केवल हब की वेज कटा होता है, तो आप इसमें से किस सवाल का आंसर क्या देंगे? तो बच्चे याद रखिएगा, शॉफ्ट और हब दोनों पर बच्चे की कटा होता है, बस ये याद रखना, शॉफ्ट और हब पे बच्चे आपका दोनों में क्या कटा होता है, की कटा होता है, ये वाली बात आप याद रखिएगा कि संघ की को बोलते हैं, शॉफ्ट और वेब पर बच्चे क्या होता है, बच्चे कट लगा होता है। सैडल की आपसे एग्जाम में बहुत पूछता है, सैडल की का फिट करने के लिए किस की में वेज, मतलब पूछ रहा है शॉफ्ट और हब दोनों पर कटा होता है, नहीं केवल शॉफ्ट पर नहीं, केवल हब पर कटा होता है सैडल की, याद रखिएगा सैडल की जो होता है वो केवल हब पर आपका क्या होता है बच्चे, कटा हुआ होता है, ठीक है, क्लियर है भाई। रोहित प्रजापति, कंपाउंड गियर, बच्चे ये आपको जो गियर वाला टॉपिक है ना, जैसे कि हीट इंजन वाला गियर, तो वहां पे, और ये आपको डीजल मैकेनिक का टॉपिक है बच्चे, कंपाउंड गियर, कंपाउंड गियर डीजल मैकेनिक का कोर्स है बच्चे, डीजल मैकेनिक की चीज है ये। तो लेड पाइपों का प्रयोग किया जाता है सीवर के लिए, ड्रेन वाटर के लिए, या आपका सैनिटरी फिटिंग के लिए, बिल्कुल ये वाला ऑप्शन एकदम बेस्ट लग रहा है मुझे, किस लेड पाइपों का प्रयोग किस लिए किया जाता है, सैनिटरी फिटिंग के लिए, यानी कि सैनिटरी फिटिंग, ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि सी, ठीक है। बोलिए आकाश कुमार, बच्चे बताया तो डीजल मैकेनिक, ये फिटर की क्लास है बच्चे। गर्म पानी की सप्लाई के लिए डैश पाइप का प्रयोग किया जाता है, ब्रास पाइप, प्लास्टिक पाइप, देखिए रबर का पाइप या तांबे का पाइप, तो बच्चे तांबे के तो पाइप यूज करेंगे नहीं, क्योंकि करेंगे नहीं करेंगे भाई, तो बच्चे बांस का पाइप और प्लास्टिक का पाइप नहीं होता, गल जाएगा गर्म पानी के लिए, रबर का पाइप भी नहीं करेंगे, तो तांबे का पाइप करेंगे ना बच्चे गर्म पानी के लिए, यानी कि कॉपर पाइप का यूज करेंगे आप लोग किसके लिए, गर्म पानी के लिए। जीआई पाइप में निम्न में से किस स्टैंडर्ड पाइप में मिलते हैं, मतलब जीआई पाइप जो आपके स्टैंडर्ड मिलते हैं वो किस में मिलते हैं, तो हम सभी लोग जानते हैं बच्चे वो 6 फीट के मिलते हैं, किसके मिलते हैं, 6 फीट के मिलते हैं, ठीक है, 6 फीट के मिलते हैं गर्म पाइप। कंपाउंड गियर, वैसे देखो बताता हूं कि जैसे कई सारे, जैसे आपको गियर एक साथ जब यूज करने होते हैं तो कंपाउंड गियर का हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, जब आपको कई सारे गियर यूज करने होंगे, ठीक है ना। तो बाहरी थ्रेड काटने के लिए प्रयुक्त औजार कौन सा, बाहरी, बच्चे बाहरी एक होता है आंतरिक, एक होता है बाहरी, तो बाहरी किसके लिए जल्दी बताइएगा, 44 नंबर का आंसर बच्चे आपका डाई हो जाएगा, ठीक है, ये तो बाहरी, और टेप किसके लिए होता है बच्चे, अंदरूनी, अंदरूनी थ्रेड काटने के लिए, अंदरूनी थ्रेड काटने के लिए बच्चे टेप का यूज, बाहरी टेप काटने के लिए डाई का यूज, ठीक है, बाहरी टेप काटने के लिए अंदरूनी काटने के लिए टेप, डाई के लिए बाहरी, ठीक है। प्रेस कार्य में खाली भाग का आकार इनमें से किस आकार पर निर्भर करता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या दे देंगे आप लोग, पंच, बिल्कुल बिल्कुल पंच, ठीक है, यानी कि प्रेस कार्य में खाली भाग का आकार इसके आकार पर निर्भर करता है, पंच, ठीक है। बोलिए ए इसका आंसर होगा कि नहीं होगा, जल्दी से कमेंट कर बताइए। डैश के साथ ऐसे भारी थ्रेड अभी आ गया ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने 45, चलिए इसका बच्चे आप लोग ये तुम लोग होमवर्क में बता देना, आज के लिए बच्चे इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, समझ गए भैया, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, तो एक बार बस मुझे खाली ये बता दीजिए कैसा लगा आप सभी लोगों को, चलिए बताइए कैसा लगा आज के लिए, 45 क्वेश्चन बच्चे खाली हैं, ठीक है, लास्ट का सवाल तुम लोगों को मैंने होमवर्क के लिए दे दिया है, बस इस सवाल का सवाल तुम लोग होमवर्क में दे देना, 45 सवाल, ठीक है, और ये आपका दिवाली का गिफ्ट है, जो आपको पता है कि आप किसी भी कोर्स पे अपना भारी मात्रा में कोर्स ले सकते हैं। अब ये जो 399 है बच्चे, ये आप अगर आपको लगता है कि आपको तैयारी शॉर्ट टर्म में पूरी करनी है तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। दूसरी बात, ये आपकी 7 नवंबर हो चुकी है, अब आपकी बच्चे क्लास बाद में मिलेगी। अगर आपको बैचेस से जुड़ना है तो प्ले स्टोर पर जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करके रजिस्टर कर लीजिएगा, पेड कोर्स पे जाइएगा, किसी भी कोर्स को आप परचेस कर सकते हैं। और पीडीएफ के लिए बच्चे ये भी याद रखिएगा, पीडीएफ के लिए बच्चे आप लोगों को चंदन सर एमडी क्लासेस पे जाके सर्च कर लेना है, और आप किसी भी पीडीएफ के लिए, सबसे बड़ी बात ना, और दूसरी बात डाउट के लिए भी, ठीक है, दूसरी बात डाउट के लिए भी आप एड कर सकते हैं। कैसा लगा कमेंट करके बताइए सेशन सभी लोग, है भाई जल्दी से बताइए। और एक
मतलब रिवीजन के तौर पे, और आप मैक्सिमम लोग आया करिए भैया, मैक्सिमम लोग आया करिए, ताकि एक जो होता है ना मतलब एक एनर्जी लेवल वो भी मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया सभी लोगों को, जल्दी बोलिए समझ में आ गया। तो भाई सेशन को लाइक, सेशन को शेयर करते रहिएगा आप लोग सभी लोग, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।